आज तो हम हमेशा की तरह सुबह से सेट पे ही कहर डाल रहे थे या हमारे ऊपर कहर बरपा हुआ था क्योंकि 7 बजे की शिफ्ट आजकल, बट ब्लेसिंग है कि अब हम लोग नजदीक शिफ्ट हो गए हैं, फिल्म सिटी आना होता है, ग्रीनरी देखने मिलती है, बारिश का मौसम है, बहुत मजा आ रहा है। सीरियसली तो ब्यूटी की शुरुआत होती है ब्यूटी के साथ। मुझे गड्ढों की बहुत याद आ रही है यार, क्योंकि मतलब मुझे ऐसा लगता है अरे मैं सेट पे पहुंच गई और मैं एक बार भी ऐसे 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 नहीं हुई तो मुझे ये चीज बहुत याद आती है। बाकी अब बताओ। हाँ, मुझे बस ये लग रहा है कि वाओ टाइम वहां कहाँ लगते थे, 2 2 आवर से भी ज्यादा लगता था, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ यहाँ कम लग रहा है। तो मैंने तो अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है शो, तो मेरा तो कम स्ट्रगल था एज कम्पेयर टू देम ऑब्वियसली, बट अभी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सॉर्टेड फील हो रहा है। तो जन्माष्टमी पे हम लोगों ने शूट किया है, दही हांडी का सीक्वेंस बहुत अच्छा शूट हुआ है। इससे पहले जन्माष्टमी थी, तो जन्माष्टमी में बच्चे हमारे जो घर में हैं, कनक और कोयल दोनों राधा कृष्ण बने थे, और बकायदा बहुत सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से जैसे हम सबके घरों में मनाया जाता है वैसे जन्माष्टमी मनाई गई। और उसके बाद होता है दही हांडी, पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। एक बैटल था राजीव और संजीव के बीच में, और ये शर्त रखी थी देव बाबू ने कि इन दोनों में से जो जीतेगा वो इस घर में रहेगा, ठीक है, बिकॉज राजीव चाहता था कि संजीव ना रहे और संजीव बोल रहा था मैं घर छोड़ के क्यों जाऊंगा, तो ये शर्त रखी गई थी कि जो मटकी फोड़ेगा वो रहेगा चंदेल भवन में। तो इस बार मटकी के अंदर चंदेल भवन था बेसिकली लेकिन फिर हुआ ये कि दोनों में से कोई फोड़ नहीं पाया और उसे फोड़ा है कू ने, तो कू डिसाइड करेगी कि कौन रहेगा और कौन जाएगा। मैंने तो बहुत एंजॉय किया, सबसे ज्यादा तो मैंने उसमें वीडियो बनाया, और रियल लाइफ में पूछो तो हम नाचे बहुत हाँ बहुत, ढोल में जाके नाचे हम लोग, जो स्क्रीन पे तो नहीं दिखेगा पर ऑफिस स्क्रीन हम बहुत नाचे हैं। मेरा तो बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था ऑनेस्टली। मैंने ज़्यादा कभी अटेंड भी नहीं किया है जन्माष्टमी और दही हांडी, तो मैंने यहाँ पे अटेंड किया, मुझे बहुत मज़ा आया और सब लोग तो बहुत ही अच्छे हैं, तो अमेजिंग। आई गेस मेरा सूट ही रहेगा थ्रू आउट। लास्ट टाइम भी जब आप आए थे तो मैंने यही उस दिन भी आउटफिट पहना था, अनारकली ही मेरा फाइनल हुआ है, और इसमें बहुत सारे अलग अलग कलर्स में अच्छे अच्छे से लुक्स आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, तो ये 6 साल का लीव लेने के बाद जो अचानक से मैंने अवतार लिया है, जो लुक चेंज हुआ है, सब बड़े हो गए 6 साल में, और मुझे पता नहीं क्या खा गया, मैं मॉडर्न हो गई। तो या और दही हांडी के टाइम पे तो मैंने साड़ी पहनी थी भाई, फॉर अ चेंज, तो साड़ी पहनी थी मैंने, और सबका उस दिन क्योंकि कलर थीम था पिंक कलर का, तो सब आपको गुलाबी गुलाबी नजर आएंगे, ऐसे गुलाबी चश्मे से देखे आप। और मेरा लुक तो बस सिंपल है, नेट दुपट्टा और सीधी सादी बहू गोपी बहू टाइप, जो अभी मैंने इयररिंग्स तो बिल्कुल भी वेयर नहीं किए हैं। और दया आंटी के दिन मैं भी पिंक कलर की थी और बहुत सुंदर लग रही थी। देखो फिर ज्ञान आ चली है, और फिर हमारे घर में तो है ही शौक लोगों को दीवार में चुनवा देने का। प्यारी थैंक यू सो मच नवीन जी, थैंक यू।